शादी को लेकर क्यों चर्चा में है जया किशोरी। जब धीरेंद्र शास्त्री से शादी करने पे पूछा सवाल, तो क्या बोली जया किशोरी? कैसे लड़के से शादी करना चाहती है कथावाचक? जया किशोरी से शादी की अफवाहों पर क्या बोले थे धीरेंद्र शास्त्री? कुछ दिनों पहले ऐसी अफवाह उड़ रही थी कि धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी शादी करने वाले हैं। क्योंकि दोनों ही लोग कथावाचक हैं, एक ही उम्र के हैं और कुंवारे भी हैं, इसीलिए लोगों ने इस अफवाह पर आसानी से विश्वास भी कर लिया और मान बैठे कि जया किशोरी और धीरेंद्र शास्त्री की शादी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस अफवाह में कितनी सच्चाई है? क्या सच में दोनों शादी कर सकते हैं और क्या आपस में दोनों कभी मिले भी हैं? एक एक करके इस रिपोर्ट में हम जानेंगे सारे सवालों के जवाब। कब शादी करेंगी जया किशोरी? जब जया किशोरी से शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शादी तो मैं करूंगी, अध्यात्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि चीजें आपको अच्छे के लिए मिलती हैं, लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया आपको अच्छे के लिए मिला है, मैं एक जगह पर बैठकर हर घर में अपनी बात पहुंचा सकती हूँ, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप अगर मेरी बात को मोड़कर या घुमाकर पेश करेंगे तो वो गलत है। वैसे ही जब मैंने सोशल मीडिया बनाया था तो मैं चाहती थी कि मेरी बात दूसरे चैनल्स तक पहुंचे, लेकिन लोग अलग अलग फेक चैनल्स बनाकर बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। अगर मेरी शादी होगी तो मेरे चैनल से आपको ये बात बता दी जाएगी। धीरेंद्र शास्त्री से नाम जुड़ने पर क्या बोली जया किशोरी? जब कथावाचक जया किशोरी से धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम से नाम जोड़े जाने पर सवाल किया गया तो जया किशोरी बोली कि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ समय पहले भी मेरी दो तीन जर्नलिस्ट से बात हुई थी जब इस अफवाह को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ और ना ही उनके बारे में ज्यादा जानती हूँ। अगर अचानक से सुबह उठते ही आपको अपने बारे में कुछ ऐसी खबर मिले और बिना सत्य जाने ये सब बातें हों तो बुरा लगता है। ऐसी अफवाह फैलाना गलत है। मैं अध्यात्म से ज्यादा जुड़ी हूँ तो मुझे मेंटली उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर एक नॉर्मल लड़की होगी तो उसे फर्क पड़ेगा। शादी को लेकर क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री? कुछ समय पहले शादी को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था, मेरी शादी की चर्चा चलती रहती है और बहुत पहले से चल रही है, इसमें कुछ नहीं है। भारत में जब चाय पर चर्चा हो सकती है तो हमारी शादी की चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी शादी होगी, अच्छे खानदान में होगी और भगवान जाने कैसी लुगाई होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।